नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के बेगमगंज बचकाइयां यात्री बस पलटी, एक दर्जन यात्री घायल, कोहरे के कारण होना बता रहे हैं घटना। रायसेन जिले के बेगमगंज के रात करीब 3 बजे भोपाल से सागर की ओर जा रही बचकाइयां बस क्रमांक 13P3881 घने कोहरे के कारण सड़क से नीचे उतरकर खेत में जाकर पलट गई। बस पलटने से चीख पुकार मच गई, उतनी ही रात में विभिन्न संसाधनों से घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया। दुर्घटना में करीब 10 यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य सागर भोपाल मार्ग की सड़क की साइडें नीची होने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और खेत में जाकर पलट गई। चालक, परिचालक एवं हेल्पर को मामूली चोटें आई है। वहीं करीब 10 लोगों को सिविल अस्पताल में ले जाकर उपचार कराया गया, जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बस में करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे। सड़क की साइडें नीची होने के कारण पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन एमपीआरडीसी विभाग साइडों के समतलीकरण की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। शायद उसे किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। आइए जानते हैं बस के हेल्पर ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। कौन सी बस पे चलते है? जो घटना घटी कितने बजे की है? ये 3 बजे। कौन सी बस है? बचकाइयां। कहाँ से आ रही थी? ये भोपाल से आ रही। कहाँ जा रही थी? सागर। कितनी सवारियां थी? 20-22 सवार। तो सवारियों को कुछ चोटें आई हैं? नहीं, कुछ भी कोई नहीं आई। ड्राइवर कंडक्टर को? कोई को नहीं आया, ड्राइवर ने कंडक्टर हेल्पर। तो कारण क्या रहा, यानी कैसे घटना हुई है? कोहरा ज्यादा था जी, तो किनारे से उतर गई गाड़ी।